इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अपनी अर्थ का रेडियस काफी बड़ा है, किससे, इस हाइट से। हमने एक पत्थर फेंका, एच हाइट तक ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये हाइट जो है वो एच है, ठीक है। एंड आर इज मच मच लार्जर देन एच। इस चीज को स्टेटमेंट में कैसे लिख रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसके बहुत पास है, मतलब एच अपना जरा सा है, छोटा सा है, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, इससे भी कम है, ठीक है। और दूसरा असम्पशन ये है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। दोनों ही बातें मिलकर एक ही चीज कह रही है, क्या कह रही है, जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप याद करते रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते ही हैं, अब नया कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी इज इक्वल टू 9.8। तो यहां से यहां तक आने में हम लोगों ने क्या किया, S की जगह H कर दिया और A की जगह प्लस G कर दिया, ठीक है। तो देखो जहां जहां S है वहां वहां हम लोगों ने H कर दिया है कि नहीं, और जहां जहां A है वहां वहां प्लस G कर दे रहे हैं। G करना ज्यादा जरूरी है इसलिए G को मैंने लाल से दिया है। जब इस पॉइंट से नीचे गिर रहे हैं तो नीचे गिरने में इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट से मान लो इसको यू मान ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मोमेंटरली रेस्ट में आ जाता है ऊपर फेंकने में, तो वहां से नीचे गिरने में लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। इस वाले रास्ते में, रेड रास्ते में वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव है। इंक्रीज इन वेलोसिटी में ग्रेविटी हेल्प कर रही है, लेकिन ऊपर जाने में क्या हो रहा है, ऊपर जाने में भी भाई ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ही तरफ लगेगी, और ऊपर जाने में इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो मोमेंटरली जीरो हो रही है ना। मैं सिर्फ यहां पे जीरो लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहां से वेरी हाई वेलोसिटी वी पे ही फेंकी गई हो, यही तो होता है, वी से फेंका, यहां पे जीरो हुआ और यहां पे फिर से वी हो गया, वी से घटते 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 मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो हुई, थोड़े से क्षण के लिए वेलोसिटी जीरो हुई और फिर बढ़ते 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 वेलोसिटी दोबारा वी हो गए। इस पूरे रास्ते में एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो वी से घटते 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 जीरो तो होता, और यहां से बढ़ते 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 वी नहीं होता, वी से थोड़ा कम होता। आई बात समझ में? ऐसा तब होता है जब आप अपने हाथ से जो फोम की बॉल है उसको फेंकते हैं, तो आप फेंकते बहुत तेज है लेकिन नीचे आपके हाथ में धीरे से ही आती है। तो ऐसे केस में यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेल्प कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक जाने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रहा है इसलिए नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव जी और ये हो गया पॉजिटिव जी, इसीलिए यहां पे नेगेटिव होता है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो यहां पर भी रिप्लेसमेंट क्या है, एस को एच से रिप्लेस किया और ए को माइनस जी से रिप्लेस किया। तो ये सारी चीजें आप नाइन्थ में भी जानते थे, पहले से ही कर चुके हैं, इस पर एक बढ़िया सवाल कॉन्सेप्चुअल कर ले। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका गया है, नीचे की तरफ नहीं फेंका गया है, इसलिए हमारी जो बॉल की ट्रेजेक्टरी होगी वो ऐसी होगी, है ना, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ठीक है। बढ़िया डायग्राम बना लेते हैं, हर अच्छे सवाल की शुरुआत एक अच्छे डायग्राम से होती है, ठीक है। कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड
जो वेलोसिटी है वो ऐसी है इस डायरेक्शन, फिर ऐसे ऐसे गया। तो ये भी याद रखिएगा कि जब वापस ये इस पॉइंट से गुजर रहा होगा तो यहां पे भी मतलब इसके सामने ये वाला पॉइंट है, तो इसके सामने भी इस जगह से फिर 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हम लोग यूज भी करेंगे। द बॉल स्ट्राइक्स द अर्थ आफ्टर 5 सेकंड ऑफ थ्रोइंग, मतलब ये पूरी यात्रा 5 सेकंड में हो गई। ठीक है, वॉट इज द हाइट ऑफ द टावर, वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाइल स्ट्राइकिंग द अर्थ। तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी तो फिर तो यहां से यहां तक जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक, अब इसको करने के दो तरीके, एक तो आप इस जर्नी को अलग और इस जर्नी को अलग डील करिए। बेसिक तरीका कोई 9th क्लास का बच्चा होगा तो वैसे ही करेगा क्योंकि वैसे ही उसको सिखाया गया है। और एक दूसरा तरीका यह है कि इसे एक ही बार में डील कर लिया जाए। तो मैं पहले कठिन वाला तरीका बताता हूँ, लंबा वाला तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप वेट करिए और नहीं तो वीडियो आगे करके आगे चले आइए। ठीक है, तो चलिए इस में यहां से लेके ये हाईएस्ट पॉइंट तक जितनी देर जाएगा उस टाइम को मैं ले रहा हूँ टी, इस टाइम को मतलब ये भी टी और ये भी टी, और फिर यहां से लेके जो आ गया ये हो गया टी वन। तो 2t + t1 = 5 सेकंड, पहली तो ये इक्वेशन हो गई। अब ये बहुत आसान है कि टी कितना होगा, क्योंकि देखिए इस वेलोसिटी से फेंका गया तो यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो v = u - gt। माइनस क्यों लगाया, जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है, जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, चलिए तो v कितना है 20, u 20 है भाई, v 0 है ना, उल्टा है यहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। जी 9.8 लेना है यार, 10 नहीं लेना है, इन्होंने थोड़ा बदमाशी की है हमारे साथ, चलो 9.8 ही ले लेते हैं। तो 9.8t = 20, t = 20/9.8 सेकेंड। ठीक है, अब इस ये t पता चल गया, ये भी t पता चल गया, तो अब हमें t1 पता चल जाएगा या नहीं, है ना, पता चल जाएगा। तो इसमें रख लेते हैं 2 × 20/9.8 + t1 = 5। यहां से भाई अपना t1 के देखो, अगर ये लोग 10 दे देते तो कितना आसान हो जाता, आराम से बढ़िया 1 सेकंड आ जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया ऐसा, तो 1 सेकंड से थोड़ा कमाया 0.92 सेकंड। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये t1 हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो s = ut1 + ½gt1 square। समझ में आया या नहीं, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर मैं यहां पर नाम भी दे देता हूं a b c d। ठीक है, तो ये टाइम जो है ये है a to b। ठीक है, ये टाइम t1 जो है ये है c to d। ठीक है, और ये इक्वेशन भी हम लोग कहां लगा रहे हैं c to d, ये इक्वेशन हम लोग कहां लगा रहे हैं a to b। ठीक है, s यहां से सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, u कितना है 20, t1 कितना है 0.92 + 1/2, g कितना है 9.8 × 0.92 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे यार, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड है आराम से,
यहां से एस आ गया अपना 22.54, अपनी बुक कह रही है 22.5 मीटर, ठीक है, राउंड ऑफ करके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, एस हमने इसी को तो माना था, इसे याद रखिए, पॉइंट सी टू डी हम लोगों ने लगाया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब उसके बाद फिर से सी टू डी में आप एक और चीज लगा दीजिए, ये ए टू बी था, सी टू डी में क्योंकि वेलोसिटी है डी, अब हमें निकालनी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्यों, U को हम लोग रखेंगे 20। अब मैं ये भी लिख सकता हूं यार, यू सी वी डी ऐसे भी कर सकता हूं, T1 हमने इस टाइम को माना है, वेलोसिटी एट पॉइंट डी U क्या था 20 मीटर पर सेकेंड, और G क्या था 9.8, और T1 कितना था, T1 है ये 0.92, ठीक है, तो 9.8 और 9.2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9.016, यानी कि वेलोसिटी जो है वो लगभग आ गई 29 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट पॉइंट डी एट द ग्राउंड विद विच द बॉल विल हिट द ग्राउंड है 29 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई अपनी छोटे बच्चों वाली अप्रोच, अब थोड़ी प्रो अप्रोच अपनाएंगे। बस यहां पे क्या करना है, U की जगह आप -20 मीटर पर सेकेंड और G9.8 ले ही लेंगे, T की जगह पूरा 5 सेकेंड ले लेंगे, द इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ एवरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि इस बिल्डिंग के इस पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट है, और इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव है, और नीचे अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, उल्टा नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, इसीलिए जी पॉजिटिव ले लिया, और यू को हमने -20 मीटर पर सेकंड ले लिया। टाइम तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं, तो -20 × 5 + ½ (9.8 × 5) का स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू -100 + 4.9 × 25। चलिए इसे सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, 225 और 122.5, अरे वाह बड़े अच्छे से आ गया, ये -100 + एस आ गया कितना 22.5 मीटर, ठीक है ना। तो आपने एक ही बार में जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया, इसीलिए ये प्रो अप्रोच है, और अब हम लोग इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा बात की, अच्छा अच्छा ये यू -20 क्यों लिया, क्योंकि पूरा जो या असली में नेट में जो काम की डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो इतनी ही थी, और यहां से लेके यहां तक टाइम वेस्ट हुआ, और यूजफुल डिस्टेंस फिर यहां पर ट्रेवल होने लगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है, सो द क्वाड्रेटिक इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अब यहां पर दूसरा बात क्या था कि हमें वेलोसिटी यहां पे निकालनी है, इनफैक्ट इस पूरे पे आप ये लगा लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, फिर से आप u को -20 रखिए, -20 प्लस 9.8 × t कितना है 5 है, -20 तो ये कितना हो गया 49 में से 20 गया
29 मीटर पर सेकंड। अरे गजब, ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है ना। तो एग्जाम में आप सीधे इसे यूज कर सकते हैं, आपकी बुक भी इसे फ्रीली यूज कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।